श्री श्री शंकर भारती महास्वामी जी के चरणों में मैं प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित श्रीमान बी एस येदुरप्पा जी, कर्नाटक राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जस्टिस ए वी चंद्रशेखर जी, कार्यक्रम के गौरवाध्यक्ष श्री एस एस नागानंद जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, हमारे युवा सांसद श्री तेजस्वी सूर्या जी, डॉक्टर सी एन अश्वथ नारायण जी, उपस्थित हमारे सांसद पी सी मोहन जी और कार्यक्रम के आत्मा, ऐसे लाखों की संख्या में उपस्थित समग्र बेंगलुरु के बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं श्री श्री शंकर भारती महास्वामी को प्रणाम करता हूं, जिनकी निश्रा में, जिनके पावन आशीर्वाद के साथ आज ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज यहाँ पर वेदांत भारती के प्रयास से हो रहा है। एक ही जगह पर, एक ही स्वर में, एक साथ मंत्रोच्चार ऊर्जा का एक अभिन्न चक्र की निर्मिति करता है, जो मन, शरीर और आत्मा तीनों को न केवल शक्ति देता है, दोषों से भी मुक्त कराता है। अभी 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने सौंदर्य लहरी के 11 चुने हुए श्लोकों का एक साथ पठन कर यहाँ जिस प्रकार के पवित्र वातावरण की निर्मिति की है, इसकी अनुभूति हम सब कर सकते हैं। और सौंदर्य लहरी के इस अद्भुत पाठ से मैं आज आश्चर्यचकित भी हूँ, अभिभूत भी हूँ और मैं वेदांत भारती को कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूँ कि लाखों बच्चों को जीवन में वेद और उपनिषद का संदेश इतनी सरलता के साथ पहुँचा है। आज हमारे वेदों में, उपनिषदों में, हमारे पौराणिक साहित्य में जो सार गर्भित ज्ञान पड़ा है, वो ज्ञान को आज की शिक्षा के साथ बच्चों को देना और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक उचित पथ पर ले जाना, ये बहुत जरूरी है। और वेदांत भारती 20 वर्षों से बच्चों में और युवाओं में वेद, उपनिषद और शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को बहुत सरल तरीके से पहुंचाने का काम करती है। आज मैं फिर से एक बार वेदांत भारती के सभी कर्ता धर्ता को मन से साधुवाद देना चाहता हूं कि आप इन लाखों बच्चों के जीवन में एक नया पथ निर्मित करने के लिए कारणभूत बने हैं। निश्चित ही भगवान आदि शंकर के आशीर्वाद आपके साथ रहेंगे और आपको इस काम में हमेशा के लिए प्रवृत्त रहेंगे। भगवान आदि शंकराचार्य की प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के संक्षिप्त स्वरूप विवेक दीपिनी से परिचित कराना और प्रश्नोत्तर रत्न मालिका का जो ज्ञान है उसको बच्चों तक पहुंचाना, मैं मानता हूं इससे बड़ा, इस बच्चों के जीवन को प्रेरणा देने वाला कोई काम हो नहीं सकता। ये 37 श्लोक एक मानो ज्ञान के महामंथन के अमृत आदि शंकराचार्य ने निकालकर हम लोगों के लिए दिए। ये जो श्लोक है उसको आप इसके स्थूल स्वरूप में मत जानिएगा, इसके प्रश्न और उत्तर का गुरुजनों के पास से अगर विस्तृत और सार गर्भित अर्थ अगर हम ग्रहण करते हैं तो जीवन में गलत रास्ते पे जाने की कोई संभावना नहीं बनती, जीवन में निराशा आने की कोई संभावना नहीं बनती है, जीवन में अकर्मण्यता को आने की भी कोई संभावना नहीं बनती है। और जीवन का उद्देश्य
अपने और अपने परिवार से बाहर निकलकर समग्र सृष्टि के कल्याण के लिए जीवन को समर्पित करने का उद्देश्य भी इसी के अंदर से प्राप्त होता है। इसलिए अक्टूबर 2017 में अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत इस बात के अंदर रस लेकर 24 भारतीय भाषाओं को प्रश्नोत्तर रत्न मालिका का अनुवाद कराने का काम साहित्य अकादमी को दिया है। ये बताता है कि देश के प्रधानमंत्री भी प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के आज के संदर्भ में महत्व को कितनी अच्छे तरीके से समझते हैं। वेदांत भारती ने अपनी पहल पर 10 भारतीय भाषाओं में विवेक दीपिनी का अनुवाद प्रकाशित कर चुके हैं। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, बच्चों मैं गुजरात से आता हूँ, गुजराती अनुवाद मेरे टेबल के सामने देखकर मन को बड़ा संतोष और आनंद मिला है। मैं फिर से एक बार वेदांत भारती को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। लगभग 10 लाख छात्रों ने विवेक दीपिनी को पढ़ाया जाता है और बेंगलुरु के 2 लाख छात्र वेदांत भारती को माध्यम से विवेक दीपिनी का अध्ययन करते हैं। ये बहुत अनुकरणीय और अभिनंदनीय कार्य है और जो वेदांत भारती जिस तन्मयता के साथ इतने सालों से कर रही है, मैं मानता हूँ कि काम को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत है, मैं हमेशा वेदांत भारती के साथ उनके साथ खड़े रहने का प्रयास करूँगा। मित्रों, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आदि शंकर के जीवन को हम जानने का नित्य प्रयत्न करें। ये मेरी अनुभव सिद्ध, मेरे स्वयं के अनुभव की आपको सलाह भी है और आपको मैं सूचन भी करना चाहता हूँ, क्योंकि एक जीवन के अंदर एक व्यक्ति इतना कर सकता है और जीवन भी अल्पायु जीवन, अल्पायु जीवन के अंदर देश की 7 बार पैदल परिक्रमा करना, देश के अंदर चारों दिशाओं के अंदर 4 मठों की स्थापना करना, केदारनाथ में जोशी मठ, द्वारिका में शारदा मठ, पुरी में गोवर्धन मठ और कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ, ये 4 मठों की स्थापना कर उन्होंने इसके अंदर 4 वेद और सारे उपनिषदों को बांटकर उसको संरक्षित और संवर्धित करने की हजारों साल की एक परंपरा खड़ी कही है। पूज्य स्वामी जी यहाँ बैठे हैं, ये परंपरा शंकराचार्य ने, आदि शंकर ने जो शुरू करी और वो परंपरा आज तक अपने भारत के आध्यात्म को और आध्यात्मिक ज्ञान को जनता के पास नीचे तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। आदि शंकर का जब जीवन शुरू हुआ, देश में बहुत आपाधापी का समय था, हिंदू धर्म के इतने मत मतांतर हो चुके थे, कई सारे धर्मों के बीच में संघर्ष, कई कर्मकांडों में हमारा धर्म फंसा था। ये सबको एक साथ लाने का काम अपने छोटे से जीवन के अंदर आदि शंकराचार्य ने किया। बहुत सारे विवाद थे, निरंजन निराकार ईश्वर है या साकार ईश्वर, ये विवाद को शंकराचार्य ने समाप्त कर दोनों मार्ग एक ही है और अद्वैत के मार्ग से जीवन का मोक्ष और कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, इस रास्ते को प्रशस्त कर समग्र देश के अंदर एक डिसिप्लिन तरीके से हमारे धर्म को आगे बढ़ाने का काम करा। उसी प्रकार से मोक्ष के मार्ग, भक्ति, कर्म और ज्ञान, ये तीनों मार्ग के बाद में बारे में बड़ा विवाद चलता था। आदि शंकराचार्य ने सिद्ध कर दिया, तीनों मार्ग एक ही जगह पे जाकर रुकते हैं, मोक्ष के स्थान पर जाकर रुकते हैं। किसी भी मार्ग से साधक, किसी भी मार्ग से व्यक्ति अपने आत्मा का, अपने जीवन का कल्याण कर सकता है और भज गोविंदम जो पढ़ेगा उसको मालूम पड़ जाएगा कि भक्ति मार्ग से भी, मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी ईश्वर की शरण और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ढेर सारे विवादों को असंख्य शास्त्रार्थों के साथ समाप्त करने का काम आदि शंकर ने
अपने एक छोटे से कालखंड के अंदर करा। आदि शंकराचार्य ने एक बहुत बड़ा अवतार कार्य किया बुद्ध और हिंदू धर्म के बीच में। एक प्रकार से उन्होंने जो विवाद चल रहा था उसको समाप्त करने का भी काम किया, और इसके साथ एक पूरे देश भर के अंदर जो अनेक प्रकार की विसंविदिता थी उसको 12 अखाड़ों का स्थापना कर 10 नामी संप्रदाय की स्थापना कर उन्होंने एक सूत्र में वैज्ञानिक संगठन में बांटने का काम किया। और आज सैकड़ों सालों के बाद भी उन्होंने जो अखाड़े बनाए वो अखाड़े और ये 10 नामी सन्यासी की परंपरा आज भारत के आध्यात्मिक जगत को मार्गदर्शन कर सकती है। और जो इसकी डिटेल में जाएगा, आज जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की बात करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक बार ये 10 नाम का अध्ययन कर दीजिए, अरण्य, आश्रम, भारती, गिरी, पुरी, पर्वत, सरस्वती, सागर, तीर्थ और वन, इसके बीच में दुनिया को बांटकर सन्यासियों को ये सारी चीजों का रक्षण करने का अधिकार और रक्षण करने का दायित्व दिया। वेदों और उपनिषदों को भी ये अखाड़ों के बीच में बांटा और उसके संरक्षण और संवर्धन का काम दिया। एक लंबे समय तक जो उन्होंने 4 मठ स्थापे, वहां से निकले सन्यासियों ने देश को और दुनिया को ज्ञान की गंगा पहुंचाने का काम किया। 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरी और 4 धाम, कहीं पर भी आप जाएंगे वहां तीर्थ पूजा का जो श्लोक मिलेगा वो श्री शंकराचार्य के रचित श्लोक मिलेगा। चाहे आप नर्मदा जी के सामने जाइए, चाहे हरिद्वार के अंदर, ऋषिकेश के अंदर गंगा पूजन करिए, हर श्लोक की रचना श्री शंकराचार्य ने करी है। अपने एक छोटे से जीवन के अंदर ज्ञान का ये अकाद सागर निर्मित करना, ब्रह्म सूत्र, गीता, उपनिषद की व्याख्या करना और एक प्रस्थान त्रयी के माध्यम से सैकड़ों सालों तक एक ज्ञान की अविरत यात्रा को निर्विरोध कोई भी कष्ट के बगैर चली जाए ऐसी सुचारू व्यवस्था खड़ी करने का काम एक अपने जीवन में आदि शंकराचार्य ने किया। और मैं मानता हूं इसके कारण आज भी जो दुनिया को सब कुछ दे सकता है ऐसा हमारा अध्यात्म का ज्ञान जीवित है और सालों तक दुनिया के सभी समस्याओं का, सभी प्रश्नों का समाधान उसी ज्ञान से माध्यम से हो जाएगा। बच्चों, आज मैं आपने विवेक दीपिनी के अभ्यास करते हो, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि विवेक दीपिनी के स्थूल अर्थ में मत जाइएगा, इसको अपने गुरुजनों के पास से समझिएगा, इसके गूढ़ार्थ को समझिएगा और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं आपके जीवन में कभी भी सदमार्ग से चलित होने का समय नहीं आएगा। ये विवेक दीपिनी ही हमारे जीवन को उचित गंतव्य स्थान पर ले जाने के लिए सभी शक्ति रखती है। मित्रों, मैं आज बच्चों को कहना चाहता हूं कि जीवन के अदृश्य लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है, अदृश्य लक्ष्य की अनुभूति करनी है और अदृश्य लक्ष्य को सिद्ध करना है जो हमें मोक्ष के रास्ते पर ले जाता है, तो विवेक दीपिनी से बड़ा कोई हमारे पास मार्गदर्शक नहीं हो सकता। मैं कुछ ही चीजें आपको बताना चाहता हूं। ये प्रश्नोत्तरी के रूप में जो विवेक दीपिनी और प्रश्नोत्तर रत्नमालिका है उसमें कहा है कि पंडित और विद्वान किसको कहा जाता है। आम तौर पर कहते हैं जिसके पास ज्ञान है, किसी एक विषय का है, अनेक विषयों का है, ज्ञान में जिसको उत्कृष्टता प्राप्त की है उसको पंडित या विद्वान कहते हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा विवेकी ही पंडित और विद्वान होता है। सिर्फ ज्ञान से नहीं कुछ होता है, जब विवेक इसके अंदर आप रखते हो तभी ज्ञान को आप
उचित रास्ते पर ले जा सकते हो। और ढेर सारे प्रश्नों के अंदर उन्होंने बहुत सारे गूढ़ार्थ के साथ हमारा मार्गदर्शन किया है। एक प्रश्न है, अलंकरण क्या है? तो अलंकरण का स्थूल अर्थ देखेंगे तो ढेर सारे जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा है, सच्चा चरित्र ही अलंकार सबसे बड़ा मनुष्य जीवन का होता है। चार शुभ कार्यों की व्याख्या भी बहुत अच्छे से की है। और ढेर सारे जो हमें भटका देने वाली जगह हैं, उस पर हमारा मार्गदर्शन विवेक दीपिनी करता है। आज बच्चों ने सौंदर्य लहरी के 11 श्लोकों का पाठ किया, विवेक दीपिनी भी आप पढ़ते हो। मैं आप सबको जरूर आग्रह करना चाहूँगा कि आपका अभ्यास आप जरूर करिए, मगर साथ में विवेक दीपिनी के गूढ़ार्थ को समझने के लिए एक गुरु तय करिए और उसके माध्यम से विवेक दीपिनी को समझने का प्रयास करिए, अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करिए। और ये अगर आप एक बार कर लेते हो तो आपके जीवन को एक अच्छे गंतव्य पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, 6 साल से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है। अनेक सालों तक आजादी के बाद सरकारें चली, धर्म निरपेक्षता की गलत व्याख्या के कारण एक लघुता ग्रंथि से प्रेरित सरकारों ने अपना जो श्रेष्ठ है, अपना जो सर्वश्रेष्ठ है, उसका गौरव करना छोड़ दिया था। बहुत समय के बाद देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो शपथ लेने के पहले वाराणसी में गंगा आरती करने के लिए जाता है और गौरव के साथ भभूति लगाकर गंगा आरती कर पूरी दुनिया को संदेश देता है कि हमारे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। बहुत समय के बाद हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर जाकर भारत सरकार की ओर से रक्त चंदन की भेंट भी चढ़ाता है और भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक भी करता है। मोदी जी ने हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के संस्कार को और हमारे देश की परंपरा को पूरी दुनिया में पहुंचाने का प्रयास किया है। एक स्वरूप से नरेंद्र मोदी जी हमारी संस्कृति के एक ध्वजवाहक बनकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और उन्होंने संस्कृति के प्रति गौरव को, हमारे संस्कार के प्रति गौरव को, हमारे धर्म के प्रति हमारे गौरव को जागरूक कर एक नई चेतना का निर्माण करने का काम किया है। आज पूज्य स्वामी जी की निश्रा में लाखों बच्चों ने सौंदर्य लहरी का पाठ भी किया और अब विवेक दीपिनी का भी पाठ करने वाले हैं। मैं सभी बच्चों को फिर से एक बार आग्रह करता हूं कि इसके स्थूल अर्थ में मत जाइए, इसके गूढ़ रहस्य को समझने के लिए अपने गुरु के साथ, अपने गुरुजन के साथ संवाद स्थापित कर इसके गूढ़ रहस्य को समझकर अपने जीवन को दैदीप्यमान करिए। इतना ही कहकर मैं फिर से एक बार वेदांत भारती के सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद देकर मेरी बात को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारत माता की जय। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।